साहब कबीर कहते हैं, अरे पंख चलत के ते दिन बीते ढूंढ अनेकन भाव, पंथ चलत के ते दिन बीते ढूंढ अनेकन भाव, नाना कर्म करत मन हारे जो मृग जल को धाओ, डगरिया भूल गई, डगर भूला गया है, जाना है अपने घर और डगर भूला गया, पंथ चलत के दे दिन बीते, मां के गर्भ और श्मशान ये दो रास्ता तय करते करते इस जीव को अभी जुग बीत रहा है, अपने घर वापस गया नहीं, आया सो गया नहीं, कभी गर्भ में जा रहा है, कभी श्मशान, कभी गर्भ में, कभी श्मशान, यही दौड़ लग रहा है। साहब कबीर कहते हैं, पंथ चलत के ते दिन बीते, अरे तुमको कितना दिन बीत रहा है अब यहां, ढूंढ अनेकन भाव, अनेक रास्ता तू खोज रहे हो जाने के लिए, नाना कर्म करत मन हारे, कभी कर्म करते हो, कभी कुकर्म करते हो, कभी सुकर्म करते हो, ये तीनों करते करते, कर्म कुकर्म सुकर्म करते करते अंत में मन झख मार दिया, अंत में बुढ़ारी में आकर ये दोनों आंख से आंसू बहा रहा है, अब रो रहा है अंत में, अब हमारी क्या दुर्गति होगी, परमात्मा हमारा क्या दुर्गति करेगा। साहब कबीर कहते हैं, नाना कर्म करत मन हारे, उदाहरण दिया, आज मैट्रिक में आपके मध्य प्रदेश में हो चाहे ना, आज बिहार में पढ़ाई हो रही है, उसका नाम है मृग तृष्णा। हम लोग पढ़े थे मैट्रिक में मृग तृष्णा। साहब कबीर कहते हैं, सारा दुनिया के औरत और मर्द मृग तृष्णा में लगा हुआ है। मृग तृष्णा का माने होता है, अभी जेठ का महीना आने वाला है, जेठ के महीने में सारे नदी नाला सूख जाते हैं, तालाब सूख जाते हैं, कहीं चुटकी भर पानी नहीं है, 12 बजे दिन जेठ की दोपहरी, तपती धूप, चिलचिलाती धूप और प्यास से विचलित होकर वो मिर्गा जब जंगल से निकलता है पानी के खोज में, जब जंगल से बाहर होता है मिर्गा, तो चमकते हुए रेगिस्तान, चमकते हुए बालू, जिस बालू में सीमेंट मिलाकर घर बनाते हैं, वो बालू का कण 12 बजे के जेठ के चिलचिलाती धूप में वो बालू का कण चकमक चकमक करने लगता है, दूर से आप देखेंगे तब बुझाएगा कि समुद्र है, वहां पानी है, पानी है, बालू के चकमकाहट, इसी का नाम है मृग तृष्णा। जब मिर्गा की दृष्टि उस चमकते हुए बालू पर पड़ती है, तो मिर्गा सोचता है कि वहां तो अथाह समुद्र है पानी का, जाता हूं पानी पी के अपना प्राण बचाऊंगा। मिर्गा दौड़ के जाता है वहां, तो वहां जाने के बाद क्या मिला, केवल बालू चमकते हुए। मिर्गा वहां जाके पश्चाताप करता है, आंख से आंसू बहाता है, अब मैं क्या करूं, अब मैं अपने प्राण को कैसे बचाऊं। फिर मिर्गा अपने दृष्टि को आगे बढ़ाता है, आगे के चमकते हुए बालू पर जब मिर्गा की दृष्टि जाती है, वो बालू भी चमक रहा है, मिर्गा को लगता है वहां तो और पानी है, जाता हूं वहां जाके
पानी पी के प्राण बचाऊंगा। मिर्गा दौड़ के गया वहां, वहां गया तो वहां भी केवल बालू है, पानी तो है नहीं। वहां जाके मिर्गा छटपटा के अपना प्राण वही खत्म कर अंत कर लेता है, मिर्गा वही मर जाता है। साहब कबीर ने कहा वही काम मानव का है, जिंदगी भर भगवान को खोजते खोजते दौड़ते दौड़ते अंत में रो करके छटपटा करके आई मानव अपना प्राण तक देता। मिला कहीं, मिला कहीं नहीं। साहब कबीर कहते हैं नाना कर्म करत मन हारे जो मृग जल को धाओ हो, जो मृग जल को धाओ डगरिया भूल गई कहीं विधि घर को जाओ, डगरिया भूल गई। दूसरे शब्दों में कहते हैं अरे वेद पढ़ी पढ़ी पंडित हारे चतुर न पावहिं ठाउ, वेद पढ़ी पढ़ी पंडित हारे चतुर न पावहिं ठाउ, जहि पूछो सो नाम बतावे, जही पूछो सो नाम बतावे, नाही दिखावे गाँव। बंधुओं बड़ी चालाकी है, बहुत परपंच है अध्यात्म में। साहब कबीर कहते हैं जिससे पूछा जाए तो हर पंथ में नाम की चर्चा हो रही है। नाम दान ले लो, नाम का सुमिरन करो, नाम का भजन करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। नाम तो हम समझ गए, नाम बिहार से हम चले और नाम बोलते बोलते शीतल दास कहते कहते आज जब छत्तीसगढ़ पहुंच गए और दुर्ग स्टेशन उतर गए तो नाम के द्वारा शीतल दास के स्वरूप से हमारी मुलाकात हो गई। यही है शीतल दास, नाम लिए बिहार में, आके छत्तीसगढ़ में मिल गए शीतल दास। कैसे? नाम के द्वारा। कबीर साहब कहते हैं नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी होए, आ जब वह रूप हृदय में बसे तो छुधा रहे नहीं कोई। नाम के द्वारा रूप मिला ना, आ इतना दिन से सीताराम पढ़े हैं मिला है रूप, राधे कृष्ण पढ़े हैं जय हनुमान, ओम भूर्भुवस्व, ओम नमः शिवाय, अल्लाह अकबर, सतनाम वाहिगुरु, मिला। जिसका नाम लिए वो आया निकट में, भेंट उठ किया, बातचीत हुई, बंधुओं ये नाम है क्या? नाम बड़ा झंझटिया चीज है। नाम क्या है? व्हाट इज नेम? नाम क्या है? नाम आया कहां से? पहले आप आए धरती पर कि पहले नाम आया? पहले लड़का जन्म लिया मां के गर्भ से कि पहले उसका नाम पड़ गया? क्या आया पहले? साहब कबीर पूछते हैं पांच तत्व का पुतला युक्ति रचा मैं कीव, अब मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा की जीव। बड़ा कौन? नाम की जीव। बोलिए तो कोई आदमी, पहले जीव आया धरती पर कि पहले नाम आया? पहले देह आया कि पहले रामशंकर आया? कौन आया पहले?
तो आप नहीं होते तो नाम कहां से आता। अगर इस दुनिया में एक आदमी नहीं होता तो जोगेंद्र महेंद्र राजेंद्र रमा शंकर नाम कहां से आता, सीता रीता गीता कहां से आती। विचार किया कभी पहले कौन, पहले कर्ता की पहले कर्म। साउंड ओम द साउंड ऑफ द ब्रह्म व्हेन वी गो टू द शोर ऑफ द सी हियर द रोरिंग ऑफ ओशन सचित द ओम साउंड ब्रह्म। जब हम नदी के किनारे जाते हैं समुद्र के किनारे, समुद्र के कल कल छल छल की आवाज हमें सुनाई पड़ती है, वो समुद्र सत है कि आवाज सत है। हम माइक पर बोल रहे हैं, हम सत है कि माइक सत है। कौन सत है, बोलने वाला सत है। ये नाम कहां से आया, किधर से निकल के आया है नाम, जिसका जाप हम करें। कबीर साहब कहते हैं, शब्द हमारा तू शब्द का, शब्द हमारा गुलाम है। अभी मैं इस काया में हूं तो इतने शब्द निकल रहे हैं, अब मैं ही निकल जाऊं तो कितने शब्द आएंगे आएंगे। तो शब्द का बाप कौन है, मैं। शब्द का बाप ही जीव आत्मा है, सारे शब्द का खजाना यही है।